जय हिंद मेरे बच्चों। आज बहुत दिन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ए प्लस बी इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ए इंटू बी इक्वल टू दिया भाई 21 दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे इसमें क्या करेंगे, अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको गुणनखंड मेथड से देखते हैं तो 7 × 3 तो हो जाएगा, या इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जा रहा है। इसका मतलब कि हमको ईजी तरीका से आ गया कि 7 × 3 तो हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा आपका, मतलब कि ए हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। दूसरे तरीके से बना रहे, ए माइनस बी अगर निकाल रहे इसका फार्मूला से, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 × ab, तो इसका मान रख देंगे तो इसका मान है आपका 10, तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुना हो जाएगा 21, तो यह आपका हो जाएगा 100, यह हो जाएगा आपका 84, 100 में से 84 जाएगा तो यह आपका हो जाएगा 16, 16 का हो जाएगा 4। ए माइनस बी का मान आ गया आपका ए माइनस बी इक्वल टू 4, ए प्लस बी का मान दिया है 10। दोनों को जोड़ देंगे मेरे दोस्त, तो ये जोड़ेंगे तो कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो कटेगा तो कट जाएगा, तो 2a = हो जाएगा आपका 14। तो यहाँ पर a के मान आ जाएगा 14/2, मतलब 7, a के मान आ गया 7, ए प्लस बी के जो मान दिया है वो 10 दिया है, तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे 7, तो बी के मान आपको आ जाएगा 3। आई होप मेरे दोस्त समझे होंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल शेयर करिए दोस्तों में, और मेरा वीडियो कंटिन्यू आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।